रोहित वेमला की मौत पर इंसाफ मांगने हैदराबाद पहुंचे राहुल गांधी। आज फिर छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। रात को भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शनकारी उस संघ करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे थे। आज है रोहित का जन्मदिन। राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने स्मृति ईरानी मुर्दाबाद का लगाया नारा। राहुल ने फौरन माइक हाथ में थाम कर टोका। राहुल गांधी ने भूख हड़ताल पर बैठने वाले छात्रों का बढ़ाया हौसला, माला पहनाकर किया सम्मान। हैदराबाद में छात्र रोहित वेमला की खुदकुशी पर घमासान जारी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया राहुल गांधी के दौरे का विरोध। तेलंगाना के कॉलेजों में किया बंद का आह्वान। रोहित वेमला की मौत पर हैदराबाद में लगातार जारी है प्रदर्शन। रोहित के समर्थकों ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी के हाथरस में भी हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमला की खुदकुशी मुद्दे की गूंज। वामसेफ कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के इस्तीफे की मांग। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का विवादास्पद बयान। कहा यमराज से लोगों का पड़ जाए काम लेकिन सरकार से नहीं। वसुंधरा सरकार के शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे लोग। इसी दौरान दिया था बेतुका बयान। लोग कहते हैं कि काम कहीं से पड़ जाए, यमराज से काम पड़ जाए, लेकिन सरकार से काम नहीं पड़ता। बिहार में 31 जनवरी को नीतीश और लालू करेंगे 6 लेन की गंगा ब्रिज परियोजना का उद्घाटन। बीजेपी ने 8 महीने में दूसरी बार उद्घाटन का लगाया आरोप। लालू को बुलाए जाने पर उठाया सवाल। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। लिखा जानना चाहता हूं पीएम को किसने दी राष्ट्रपति शासन के लिए सलाह। शत्रु ने ट्वीट कर पूछा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था तो फिर ऐसा करने की क्या हड़बड़ी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरा राष्ट्र दे रहा है बापू को श्रद्धांजलि। पीएम ने ट्वीट कर दी बापू को श्रद्धांजलि। लोगों ने 11 बजे 2 मिनट का मौन रखने की अपील की। बापू के समाधि स्थल राजघाट पर सोनिया गांधी ने दी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। पुणे में छात्रों के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा आमिर खान के बयान से मुझे दुख हुआ, देश की छवि को पहुंची ठेस। The way that expression was made, it has hurt him, it has hurt India, that's my opinion. दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल का 4th दिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग एमसीडी कर्मचारियों के प्रदर्शन की तैयारी। पटपड़गंज में हड़ताली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। एमसीडी कर्मचारियों ने दी धमकी, मांगे जल्द नहीं माने जाने पर 1 फरवरी से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। दिल्ली में फंड की कमी के विवाद के बीच एमसीडी ने टोल टैक्स में किया इजाफा। 7% से 66% तक बढ़ाया टैक्स। फंड में कमी का हवाला देकर एमसीडी ने बढ़ाया टोल टैक्स। 1 फरवरी से लागू होगी नई दरें। बिहार में कपड़ों पर टैक्स बढ़ाए जाने के खिलाफ 3 दिन के बंद का आह्वान। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग। भारत की जानी मानी कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के फ्लाइंग विद फिनोलेक्स कैंपेन की कामयाबी। 12 जनवरी से शुरू हुई मुहिम, कैंपेन को मिला शानदार रिस्पांस। देश की शहरी आबादी को किसानों से जोड़ने का अभियान। हवाला के जरिए काले धन से पैर भारत में पसार रहा है आईएसआईएस। गिरफ्त में संदिग्ध मुदब्बिर शेख और रिजवान अली ने पूछताछ में किया खुलासा। आज तक की खास पड़ताल। जांच एजेंसियों से बचने के लिए आईएस ने 3 अलग अलग चैनलों का करता है इस्तेमाल। हवाला का पैसा इराक सीरिया ओमान होते हुए आता है भारत। कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ देर रात से जारी। कुपवाड़ा में लोलाब इलाके में जारी इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। कुछ और के छिपे होने की आशंका।
अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिखाया है आईना, पाकिस्तान को बताया आतंकियों के लिए जन्नत। अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सेना के कमांडर जॉन माइकी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकियों की जन्नत बना रहेगा तब तक आतंकवाद का खात्मा मुश्किल। देहरादून में एक बार फिर नशे में धुत एक लड़की ने जमकर किया हंगामा, सड़क पर लगा जाम। देहरादून राजपुर रोड की रहने वाली है लड़की, एक लड़के पर शराब पिलाकर छोड़ भागने का लगाया आरोप। यूपी बरेली में 12 साल की नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, दरिंदों ने दिखाई निर्भया कांड जैसी क्रूरता। गन्ने के खेत के पास मिला था लापता नाबालिग लड़की का शव, आरोपियों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें गठित। अगरतला में गैंगरेप की शिकार 14 साल की नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार में फॉर्च्यूनर सवार लोगों ने बंद मेडिकल स्टोर पर की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 28 जनवरी को ही वारदात के बाद से पुलिस अब तक खाली हाथ। दिल्ली में विकासपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र यादव को एक दिन की पुलिस रिमांड, दंगा फैलाने और सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर नाबालिग लड़की अगवा करने का आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक पर प्यार का झांसा देकर लड़कियों को जाल में फंसाता था। जैसलमेर में गिरफ्त में आया एक कर्नल से 5 करोड़ की ठगी करने वाले ठग, जादुई कांच के बहाने की थी ठगी, कांच से गड़ा धन नग्न देख पाने का हवाला, ठगों से कंकाल भी बरामद। बिहार के छपरा में गुरुवार शुक्रवार की रात एक घर से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद 2 आरोपियों की तस्वीरें। बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत करने नोएडा पहुंचे शाहरुख खान ने गिनाई बचपन की शरारतें, एक लड़की का अटेंशन पाने के लिए लेटर बॉक्स में रखा था पटाखा बम। अमेरिका से आई महिलाओं ने गया में किया पिंडदान, कुछ पंडों ने विदेशी महिलाओं के पिंडदान पर जताया एतराज। फेसबुक पर मां के रिश्ते को स्वीकारने वाली अमेरिकी महिला ने निभाया वादा, युवक की शादी में शरीक होने पहुंची गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जमकर हुई बर्फबारी, सैलानियों की मौज। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से खिले किसानों और सैलानियों के चेहरे, गंगोत्री घाट में सेब के काश्तकारों पर मंडरा रहा था आजीविका का संकट। दक्षिण कोरिया के सियोल अक्वेरियम में देखते ही देखते एक शार्क ने दूसरी शार्क को बनाया निवाला, बड़े हाउंड शार्क को निगल गई टाइगर शार्क। ब्रिटेन की अदालत ने 26 साल की एक महिला को आईएस के प्रचार प्रसार का ठहराया दोषी, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी। उत्तरी चिली इलाके में तेज रफ्तार एक बस ने अनियंत्रित होकर पार्किंग में खड़े एक ट्रक से जा टकराई, 6 लोगों की मौत, कई घायल। T20 के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से हराया, सीरीज पर किया कब्जा। मेलबर्न मैच में जीत के हीरो बने विराट कोहली, 59 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। रोहित शर्मा ने भी बनाए 60 रन, बुमराह और जडेजा ने चटकाए 2-2 विकेट, 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। भारतीय महिला टीम ने भी जीती T20 सीरीज, मेलबर्न में ही दी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त, 10 विकेट से जीता दूसरा T20। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला डबल्स खिताब, जोड़ी ने लगातार जीता अपना 36वां मैच और 3रा ग्रैंड स्लैम खिताब।